पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह के रोड शो के बाद एक बार फिर सियासी माहौल की तपेश बढ़ गई है। इस रोड शो के दौरान अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया से एक बार फिर बंगाल में 200 प्लस का दावा किया। अमित शाह के इस दावे ने ममता बनर्जी के खेमे की चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इससे ठीक पहले चुनाव आयोग ने भी मुख्य सचिव और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर यह मान लिया है कि ममता बनर्जी पर हमले का कोई सबूत नहीं मिला है। के पार जाएंगे। मैं खड़गपुर की जनता का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बंगाल में अमित शाह की हुंकार। खड़गपुर के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। भारी भीड़ ने फिर उड़ाई टीएमसी की नींव। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के खड़गपुर की हैं, जहां अमित शाह की अगुवाई में निकले इस रोड शो ने एक बार फिर विरोधियों के माथे पर शिकन की लकीरें पैदा कर दी। सड़कों पर उमड़ा ये बेहिसाब जन सैलाब और जय श्री राम के नारों के बीच अमित शाह का ये काफिला जहां से गुजरा वहां का माहौल भगवा हो गया। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और खुद अमित शाह की मौजूदगी इस बात की तस्दीक कर रही है कि खड़गपुर की सियासत क्या रुख लेने जा रही है। न्यूज 18 इंडिया से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान एक बार फिर अमित शाह ने 200 प्लस का दावा किया। आपका कैमरा ही दिखा दे, खड़गपुर में देखे हर एक व्यक्ति आज रोड पर है। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरा बंगाल वोटिंग की तिथि की राह देखकर खड़ा है। एक सवाल ममता बनर्जी पे, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमला तो हुआ नहीं, लेकिन बार बार ममता बनर्जी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्हें धक्का दिया गया, हमला हुआ। देखिए, मैं इनकी सेहत जल्दी अच्छी हो और जल्दी प्रचार में लग जाए ऐसे ही कामना करता हूँ। 200 के पार या और भी ऊपर? 200 के पार जाएंगे और एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो सीमाओं को सुरक्षित करेगी, यहाँ की गरीब जनता के विकास के लिए मोदी जी की सारी योजनाओं को कार्यान्वित करेगी। इसके साथ साथ टोल मनी और कट मनी का जो यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगा है उसको उखाड़ कर फेंक देगी और तुष्टिकरण को भी समाप्त करेगी। बंगाल के चहुंमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों खड़गपुर बीजेपी के लिए अहम है। दरअसल खड़गपुर सदर सीट मेदिनीपुर जिले में पड़ती है। मौजूदा वक्त में सत्ताधारी टीएमसी का इस सीट पर कब्जा है। 2016 में यह सीट बीजेपी के दिलीप घोष ने कांग्रेस से जीती थी। 2019 में हुए उपचुनाव में पहली बार टीएमसी ने यह सीट जीती थी। इस सीट का सियासी इतिहास भले ही कांग्रेस के वर्चस्व वाला रहा है, लेकिन सियासी फिजाओं को कैसे अपने पक्ष में मोड़ना है ये अमित शाह से बेहतर भला कौन जानता है। खड़गपुर का परिणाम तय कर दिया है। मित्रों, मेरे लोग जो लेट होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए, हम सबका हौसला बढ़ाया, हमारा समर्थन जताया। मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन का जो माहौल है उसको बढ़ाने का काम किया। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद।
आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहाँ पर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का निर्माण होगा। खड़गपुर सीट पर जीत हासिल कर न सिर्फ बीजेपी यहां खुद को 2016 के विधानसभा चुनाव की तरह मजबूत करना चाहती है बल्कि आसपास के जिलों में भी खड़गपुर की सियासी लहर को पहुंचाना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी विधानसभा चुनावों को लेकर कैंडिडेट का चुनाव भी फूंक फूंक कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने 63 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान किया है। लिस्ट की खास बात यही है कि इस बार केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो समेत बीजेपी के 4 सांसदों को विधानसभा की सीटों के लिए टिकट दिया गया है। कुछ बड़े चेहरे आपको दिखाते हैं जिन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी समर में उतारने का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो का, जिन्हें टॉलीगंज से टिकट दिया गया है। दूसरा नाम है सांसद लॉकेट चटर्जी का, जिन्हें चुरचुरा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तीसरा नाम है बेहलापुर से पायल सरकार का। चौथा नाम है सिंगूर से रविंद्रनाथ भट्टाचार्य का। पांचवा नाम है तारकेश्वर से चुनाव लड़ने जा रहे स्वप्निल दास गुप्ता का। छठा नाम है अंजना बासु का, जिन्हें सुनारपुर दक्षिण से चुनाव मैदान में उतारा गया है। सातवां नाम है दीपक हल्दर का, जिन्हें डायमंड हार्बर से टिकट दिया गया है। आठवां नाम है नीतीश प्रमाणिक का, इन्हें दिनहाटा सीट से चुनाव लड़ने को कहा गया है। इसके अलावा टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी को टोमजूर सीट और प्रबीर घोषाल को उत्तरपारा सीट से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हैं, जिनको पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। बाबुल जी, केंद्रीय मंत्री, सांसद और उसको विधायक का टिकट अगर पार्टी दे तो कुछ तो सोचा होगा आपके बारे में। पार्टी ने जो काम दिया है वो काम सुचारू रूप से करने की कोशिश करूँगा। जहाँ का मैं 2 बार का सांसद हूँ आसनसोल में, वहाँ पे 7 सीट में 7-0 करना है, वो एक चैलेंज है। उसके साथ साथ टॉलीगंज में प्रत्यक्ष रूप से मुझे लड़ने का मुझे दायित्व दिया और एक क्या कहूँ, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। उसमें भी जो मैं फ्लाइंग कलर्स से निकल जाऊं, यही आशा, उम्मीद और कॉन्फिडेंस ये है। उधर नंदीग्राम में चोटिल होने के बाद ममता बनर्जी पहली बार चुनाव प्रचार के लिए सामने आए। इसी दौरान व्हीलचेयर के जरिए ही उन्होंने गांधी प्रतिमा से हजारा तक 4 किलोमीटर लंबी यात्रा में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आई हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, और कोलकाता की सड़कों पर व्हीलचेयर के जरिए वो पदयात्रा में हिस्सा ले रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की ये पदयात्रा नंदीग्राम दिवस के मौके पर आयोजित की गई है। कहा यह जा रहा था कि अभिषेक बनर्जी इस पदयात्रा को लीड करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी खुद पहुंच गई व्हीलचेयर के जरिए ही। 4 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में वो हिस्सा ले रही हैं और संकेत संदेश साफ हैं अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए कि वो उस चोट से जिसको बड़ा मुद्दा बनाया गया हरने वाली नहीं है, थकने वाली नहीं है, और वो लगातार अपनी लड़ाई सड़कों पर इसी तरह अपने व्यक्तित्व के मुताबिक, अपने राजनीतिक इतिहास के मुताबिक लड़ती रहेंगी। दरअसल पहले कयास यही लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी की चोट की वजह से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इस यात्रा को लीड करेंगे, लेकिन ऐन मौके पर ममता बनर्जी ने इस यात्रा को लीड करने का फैसला किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने लोगों को ये जताने की कोशिश की कि उन्हें अपनी चोट से कहीं ज्यादा जनता की तकलीफों की फिक्र है और इसी दर्द को बांटने के लिए वो इस यात्रा पर निकली हैं। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मुझे अब भी काफी दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे अपने लोगों का दर्द ज्यादा महसूस हो रहा है। ये अपनी पवित्र जमीन बचाने की लड़ाई है। हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन हम कायरों के सामने कभी झुकेंगे नहीं। हमें व्हील चेयर भांगा पाए हमें सारा बांग्ला घूरे बेड़ाबो और खेला होबे।
वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की चोट पर मचे सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें चुनाव आयोग ने ये माना है कि ममता बनर्जी पर हमले के कोई सबूत नहीं मिले हैं। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का ये बयान पर्यवेक्षकों और मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर आया है। यही वजह है कि एक बार फिर ममता बनर्जी विरोधियों के निशाने पर आ गई हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने ही ये दावा किया था कि उन पर नंदीग्राम में जानबूझकर हमला किया गया। देखिए, ये अब नाटक बहुत दिन तक नहीं चलेगा और लोग पहचान गए हैं कि ममता जी ने 10 साल क्या किया है और अभी वो क्या कर रही हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि जनता के प्रति कोई ममता जी के लिए सहानुभूति होगी, क्योंकि जिस सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने नाटक रचा, कॉन्स्परेंसी रची, वो बेनकाब हो गई हैं और आने वाला समय बताएगा कि ममता जी कहाँ रहती है। इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का रिपोर्ट, देश के जनता को पूरा मालूम है ममता बनर्जी के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि कोई सीडी, कोई प्रूफ कुछ भी नहीं था। ममता बनर्जी की हाई लेवल सिक्योरिटी रहते हैं और उनका पार्टी कार्यकर्ता साथ रहते हैं, उसके बाद भी कैसा मार लगा, कौन मारे, किसको पता भी नहीं। हालांकि लापरवाही बरतने के आरोप में चुनाव आयोग की गाज कई अधिकारियों पर जरूर गिरी है। जिन अधिकारियों पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है उनमें सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को पद से हटा दिया गया है, पूर्वी मिदनापुर के DM और SP को भी हटा दिया गया है। इन सभी पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। इन सभी को 31 मार्च तक चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ हुई घटना को लेकर 2 नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। पंजाब इंटेलिजेंस के पूर्व DGP अनिल कुमार शर्मा को विधानसभा चुनावों के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उधर BJP ने एक बार फिर ममता बनर्जी को लगी चोट के मामले को हवा दी है। BJP ने मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखे एक खत में इस बात की मांग की है कि ममता बनर्जी के इलाज की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। ये जरूरी है कि सच लोगों के सामने आए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और मतदान के विकल्पों में हेर फेर से बचा जा सके। जाहिर है बंगाल का ये सियासी रण अब आर पार की उस जंग में तब्दील हो चुका है जहां लोगों का वोट हासिल करने के लिए किसी भी हथकंडे पर जोर आजमाया जाएगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बंगाल चुनावों की चाबी जनता के ही हाथ है, जिसे ये तय करना है कि बंगाल में परिवर्तन की बयार है या फिर कुछ और। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन मैत्री की। आज की तारीख में पूरी दुनिया पीएम मोदी की कायल हो चुकी है। क्या इंटरनेशनल मीडिया, क्या अंतर्राष्ट्रीय नेता सभी पीएम मोदी की वैक्सीन मैत्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल भारत महज 55 दिनों के अंदर 71 देशों को कोरोना वैक्सीन के 6 करोड़ डोज भेज चुका है। ये खुद में एक मिसाल है। यही वजह है कि कोरोना काल में पीएम मोदी की नीतियों के तहत भारत ने जिस तरह पूरी दुनिया की मदद की है उसे देखकर हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक बंधुत्व वाली जो भावना है उसको सलाम कर रहा है। भारत बना विश्व बंधु। इकहत्तर देशों को भेजी वैक्सीन। 55 दिनों में 6 करोड़ डोज भेजी। पीएम मोदी की वैक्सीन मैत्री। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े।
बस इसी मंगल कामना के साथ पीएम मोदी ने विश्व बंधुत्व की एक ऐसी मिसाल कायम की कि आज पूरी दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद हो गई है। जहां अमेरिका और यूरोप के कई देश वैक्सीन बनाकर अपने देश में वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, वहीं भारत अपने नागरिकों की वैक्सीनेशन के साथ साथ दुनिया के कई देशों की भी मदद कर रहा है और पीएम मोदी बड़े ही सहज और सरल तरीके से इसका पूरा श्रेय मानवता की सेवा भाव को देते हैं। भारत में आज जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं, वो खाली नहीं आ रहे हैं, वो अपने साथ भारत के प्रति बढ़ा हुआ भरोसा, भारत के प्रति आत्मीयता और उन देशों का लोगों का स्नेह और बुजुर्ग जो बीमार हैं उनके आशीर्वाद, एक भावात्मक लगाव लेकर के ये हमारे जहाज भर भर के आ रहे हैं। और ये संकट काल में जो भरोसा बनता है वो केवल प्रभावी पैदा नहीं करता, ये भरोसा चिरंजीव होता है, अमर होता है, प्रेरक होता है। भारत आज जिस तरह मानवता की सेवा कर रहा है और नम्रता के साथ कर रहा है, हम कोई अहंकार के साथ नहीं कर रहे, हम कर्तव्य भाव से कर रहे हैं। सेवा परमो धर्म, ये हमारे संस्कार है। इससे पूरी दुनिया में भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। भारत की साख, भारत की पहचान निरंतर नई ऊंचाई पर पहुंच रही है और ये भरोसा केवल वैक्सीन तक ही नहीं है, सिर्फ फार्मा सेक्टर की चीजों तक नहीं है। जब एक देश का ब्रांड बन जाता है तो उसकी हर चीज के प्रति विश्व के हर व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाता है और वो उसकी पहली पसंद बन जाता है। हमारी दवाइयां, हमारे मेडिकल प्रोफेशंस, भारत में बने मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन सब के प्रति भी आज भरोसा बढ़ा है। यही वजह है कि भारत की वैक्सीन मैत्री की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। दरअसल भारत ने कोरोना काल में महज 55 दिनों के अंदर 71 देशों को वैक्सीन के 6 करोड़ डोज भेजे हैं। इन 6 करोड़ वैक्सीन डोज में से करीब 81 लाख वैक्सीन डोज भारत ने अपने पड़ोसी देशों को बतौर गिफ्ट भेजे हैं। इतना ही नहीं, भारत ने कोवैक्स मैकेनिज्म के तहत 1,65,00,000 डोज संयुक्त राष्ट्र को भेजे हैं। 3,39,00,000 डोज कमर्शियल डील के तौर पर भेजे गए हैं। भारत में बनी स्वदेशी वैक्सीन दुनिया के 37 देशों को मुफ्त भेजी गई है। बड़ी मात्रा में चाहिए होगा, इसलिए भारत अकेला देश है जो इतनी बड़ी उत्पादन कर सकता है और ये वैक्सीन पूरे विश्व में मुहैया करा सकता है। इसलिए ये महामारी के चलते जो आज भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, उसी वजह से मुझे लगता है कि भारत का जो साख है, प्रभाव है या दोस्ती है पूरे विश्व में, उसको बढ़ाने में हमें सहायता मिलेगी और इस महामारी से विश्व को बचाने में भी भारत बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। भारत ने न सिर्फ अपने पड़ोसी देशों को बल्कि एशिया के कई मुल्कों समेत अर्जेंटीना, ब्राजील, इजिप्ट और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी वैक्सीन भिजवाई है। पाकिस्तान के साथ भले ही हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे हों, लेकिन फिर भी भारत ने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए कोवैक्स मैकेनिज्म के तहत पाकिस्तान को भी मेड इन इंडिया वैक्सीन भेजी है। भारत की इस वैक्सीन मैत्री की सबसे लाजवाब बात यह है कि जिन देशों को वैक्सीन भेजी गई है उनमें से 50% कम विकसित देश और 1/3 छोटे आइलैंड देश हैं। भारत में विकसित की गई वैक्सीन को 92 देशों ने मंगवाया है। भारत के इस कदम की तो वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विविन रिचर्ड्स ने भी तारीफ की है। Opportunity for me to thank for exactly the wonderful contribution that India would have made to our country, which is the vaccine.
We thank you so much on behalf of the Antiguan and Barbudan people. We look forward also that in the future, continued relationship. Thank you very much, Prime Minister Modi, and to thank the High Commissioner to our region. We also thank all the people of India for such a kind gesture. Thank you, thank you. डोमिनिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरेट ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिख उनके देश को वैक्सीन के 70,000 डोज भेजने की गुजारिश की है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि मैं बड़े विनम्र और आदर भाव से आपको हमारी आबादी को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन के 70,000 डोज मुफ्त भेजने की गुजारिश कर रहा हूँ। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया को पीएम मोदी का मुरीद बना दिया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। दरअसल कुछ हफ्ते पहले देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ टिप्पणी कर दी थी। जब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने हिंदुस्तान से कोरोना वैक्सीन मांगने में कोई कोताही नहीं की। जवाब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान अपने वायदे के मुताबिक दुनिया के हर मुल्क को मानवीय आधार पर कोरोना वैक्सीन देने के लिए प्रतिबद्ध है। 4 मार्च को कोरोना वैक्सीन की 5,00,000 डोज कनाडा को भेज दी गई। उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद बन गए। भारत की वैक्सीन मैत्री को चीन को चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल दुनिया भर में कोरोना महामारी को फैलाने के मुद्दे पर चीन पहले ही बड़े और ताकतवर मुल्कों के निशाने पर है। इतना ही नहीं, चीन ने भारत के कई पड़ोसी देशों को वैक्सीन मुहैया कराने की बात कही थी, लेकिन चीन की वैक्सीन का अभी भी कई देश इंतजार कर रहे हैं। वहीं भारत चीन से पहले कई देशों को वैक्सीन भेज भी चुका है, यानी अब दुनिया चीन की बनाई वैक्सीन की मोहताज नहीं है। भारत की वैक्सीन, भारत की जो प्रभाव है उसको आगे बढ़ाने में बहुत फायदा पहुंचाएंगे भारत को, क्योंकि भारत का जो एक तरह से छवि है पूरे विश्व में वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है पूरे दूसरे देशों को। और दुनिया के कई देशों में वैक्सीन बनने के बावजूद दुनिया अभी भी कोरोना से जंग लड़ रही है, लेकिन भारत ने कोरोना के खिलाफ इस जंग में जितना अहम योगदान दिया है उसे पूरा विश्व सलाम कर रहा है। यही वजह है कि 12 मार्च को क्वाड देशों के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में वैक्सीन उत्पादन पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी भारत पर ही भरोसा जताया। इस शिखर सम्मेलन में यह तय किया गया कि वैक्सीन अमेरिका में विकसित की जाएगी, लेकिन इसका निर्माण भारत में होगा। जापान और अमेरिका आर्थिक व्यवस्था करेंगे, ऑस्ट्रेलिया वैक्सीन विकास योजना में मदद करेगा। इस सम्मेलन में साल 2022 तक आसियान देशों, प्रशांत महासागर के देशों और दुनिया के दूसरे देशों को करीब 1 बिलियन वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 4 बड़े देशों का आपस में तालमेल बढ़ता है तो भारत की जो हैसियत है उस वैक्सीन को बनाकर पूरे विश्व में भेजने की वो और भी बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि ये अचानक वैक्सीन को लेकर दोस्ती और भी सुदृढ़ हुई है ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के 4 देशों में, तो उसका जो उनकी रक्षा सुरक्षा की सोच है, सामरिक जो उनका जो पूरा ध्येय है कि चीन की चुनौती को किस तरह से सुलझाया जाए, उसको भी इसमें और सहायता मिलेगी। भारत का विश्व बंधुत्व का ऐसा भाव देखकर ही पूरी दुनिया आज की तारीख में भारत की तारीफ कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनॉम गेब्रियसस भारत और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर चुके हैं। टेड्रोस ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि वैक्सीन के लिए भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। आपकी कोवैक्स और कोविड-19 वैक्सीन दुनिया के साथ साझा करने से 60 से ज्यादा देशों में हेल्थ वर्कर और दूसरे लोगों का वैक्सीनेशन शुरू करने में मदद मिली है। मुझे उम्मीद है कि दुनिया के दूसरे देश भी आपसे सीख लेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स भी अपनी एक रिपोर्ट में ये प्रकाशित कर चुका है कि भारत दुनिया का बेजोड़ वैक्सीन निर्माता। अपने पड़ोसी दोस्तों और गरीब देशों को करोड़ों की संख्या में वैक्सीन के टीके उपलब्ध करा रहा है। भारत ने बड़ा दिल रखते हुए जब अपने वैक्सीन के दरवाजे खोले
वैक्सीन मैत्री के तहत, वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत वैक्सीन दूसरे देशों को ऑफर की तो 92 देश एक साथ लाइन में खड़े हो गए। 71 देशों को हम सप्लाई कर चुके हैं वैक्सीन और इसकी सराहना पूरा विश्व कर रहा है। भारत इन सभी देशों का आने वाले समय में एक घनिष्ठ मित्र कोरोना वैक्सीन के कारण होने जा रहा है। दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है और आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल पूरी दुनिया में कोरोना से 12 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, यानी ये दुनिया की कुल आबादी का 1.54% है। अकेले अमेरिका में 3 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। भारत में 1,13,59,048 लोग कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन इनमें से 1,09,89,897 कोरोना को मात दे चुके हैं। इसके अलावा भारत में अब तक 2,97,38,409 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ये भी एक सच है कि दुनिया की कुल वैक्सीन उत्पादन का 60% भारत में निर्मित होता है। कोरोना वायरस वैक्सीन के अलावा भारत DPT, BCG और चेचक की वैक्सीन भी वैश्विक स्तर पर निर्यात करता है, लेकिन कोरोना काल में पीएम मोदी की नीतियों के तहत भारत ने जिस तरह पूरी दुनिया की मदद की है, उसे देखकर हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व बंधुत्व भावना को सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नाम, वो एक शख्सियत जिनके नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। सच तो ये है कि आज की तारीख में पीएम की वजह से हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत को नई पहचान मिली है। 12 मार्च को पूरी दुनिया ने भारत की इस नई पहचान की तस्वीरें देखी। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक ऐसा गठबंधन है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखेगा, लेकिन इस गठबंधन से चीन की नींद उड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक शख्सियत जिसने भारत को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई और भारत की इस नई पहचान की लाइव तस्वीरें पूरी दुनिया ने 12 मार्च को देखी। 12 मार्च को क्वाड देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ और क्वाड के पहले ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में चारों देशों के नेताओं, यानी भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिस्सा लिया। क्वाड शिखर सम्मेलन में वैक्सीन डिप्लोमेसी के मोर्चे से लेकर जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत महासागर में चीन की समंदरी साजिशों के खिलाफ अहम रणनीतियों पर चर्चा हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित किया। वी आर यूनाइटेड बाय अवर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड अवर कमिटमेंट to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good. सच तो ये है कि आज के दौर में क्वाड ग्रुप ऐसा महागठबंधन बनकर विश्व के नक्शे पर उभरा है जो दुनिया की हर चुनौती से निपटने में सक्षम है और इस महागठबंधन के तहत मौजूदा चुनौतियों से लेकर बनने वाली रणनीति में भारत की हिस्सेदारी हर लिहाज से बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और इस जीत का श्रेय किसी और को नहीं बल्कि एक नाम को जाता है और वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वाड का जो पूरा एरिया क्षेत्र है और जो उसके अंदर जो लीडरशिप है उसमें भारत की लीडरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें एक बड़ा रोल है क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा
इंडिया और उसके आसपास का जो पूरा इंडियन ओशन और ये पूरा क्षेत्र है पैसिफिक का, इंडिया सबसे बड़ा देश है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड समूह के देशों में जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका है। दुनिया के इन चार बड़े देशों ने क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए आपस में बहुपक्षीय समझौते किए हैं। क्वाड ग्रुप का मंच मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक मंच बना है। सबसे पहले आपको क्वाड ग्रुप के सम्मेलन की अहमियत बताते हैं जो भारत के लिहाज से बहुत मायने रखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद जो बाइडेन का ये पहला विदेशी सम्मेलन है जिसमें वो शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पहला सम्मेलन क्वाड के साथ हुआ। जो बाइडेन ने नेटो के साथ मीटिंग नहीं की है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी अभी तक उन्होंने बैठक नहीं की है। क्वाड सम्मेलन में शामिल होकर जो बाइडेन ने भारत के साथ मजबूत दोस्ती का संदेश दिया है। क्वाड ग्रुप में शामिल होकर जो बाइडेन ने चीन के खिलाफ भारत का साथ देने वाला बड़ा कूटनीतिक संदेश दिया है। क्वाड ग्रुप चीन पर दो तरफा घेराबंदी का जरिया बनेगा। पहला ये कि क्वाड ग्रुप को लेकर चीन कूटनीतिक दबाव में है। दूसरी घेराबंदी चीन और प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ और सैन्य साजिशों को रोकने के लिए है। अब वसुधैव कुटुंबकम विच रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज वन फैमिली, वी विल वर्क टुगेदर क्लोजर देन एवर बिफोर for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. क्वाड देशों के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में सबसे अहम रणनीति कोरोना वैक्सीन को लेकर बनी। क्वाड देशों ने ग्लोबल वैक्सीन योजना पर जोर दिया। इंडो पैसिफिक रीजन में वैक्सीन की मांग और आपूर्ति को पूरा किया जाएगा। क्वाड ग्रुप मिलकर दुनिया को कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों से बचाएगा। क्वाड के सम्मेलन में वैक्सीन को लेकर अहम रणनीति पर चर्चा हुई। इसके तहत वैक्सीन अमेरिका में विकसित की जाएगी, भारत में वैक्सीन का निर्माण होगा, जापान और अमेरिका आर्थिक व्यवस्था करेंगे, ऑस्ट्रेलिया वैक्सीन विकास योजना में मदद करेगा। क्वाड ग्रुप की पहल से भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही कमाल है कि दुनिया के तीन बड़े और ताकतवर देशों ने वैक्सीन को भारत में बनाने के लिए हामी भरी है। अमेरिका की डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ऐलान कर दिया है कि वैक्सीन का निर्माण भारत में किया जाएगा। वैक्सीन भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई बनाएगी। बायोलॉजिकल ई तेलंगाना की कंपनी है जिसे महिलाएं संचालित करती हैं। सच तो ये है कि एक बार फिर दुनिया के तमाम देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। क्वाड ग्रुप के सम्मेलन में दुनिया के चार बड़े देशों का होना और उसमें भी भारत पर सबका भरोसा जताना ये बताता है कि देश अब विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है और ये किसी और का नहीं बल्कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व का ही कमाल है। कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन ने बड़े बड़े दावे किए थे लेकिन दुनिया के देशों को चीन पर अब यकीन नहीं जबकि भारत पर दुनिया के देशों का भरोसा बढ़ा है। क्वाड के देशों ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बड़े गठबंधन में भारत की भूमिका सबसे ज्यादा है और इसमें मोदी की कूटनीति की बड़ी सफलता है। क्वाड ग्रुप में भारत को लेकर कोरोना वैक्सीन पर भरोसा जताना और उसे वैश्विक वैक्सीन योजना का मुख्य हिस्सा बनाने के पीछे कई अहम रणनीतियां काम कर रही हैं। दरअसल कोरोना महामारी के दौर में WHO भी भारत में सख्त लॉकडाउन की तारीफ कर चुका है। इसके अलावा वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स, पुलिस और फिर बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने की योजना भी कामयाबी के साथ चल रही है। अर्थव्यवस्था की हालत भी 2020 के मुकाबले लगातार पटरी पर आ रही है। ऐसे में क्वाड ग्रुप ने भारत को दुनिया के हित साधने वाला देश माना है। वहीं चीन के खिलाफ सारी दुनिया में कोरोना फैलाने का आरोप लगा है। इसके अलावा वायरस को लेकर तमाम सच्चाई छिपाने वाला चीन सारी दुनिया के सामने मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आया है। क्वाड ग्रुप के सम्मेलन में विश्व के हित से जुड़ी जिन रणनीतियों पर चर्चा हुई उसमें सीधे सीधे चीन को उसकी हदें बताने वाली कूटनीति भी तैयार हुई।
यानी क्वाड के चारों देशों की दोस्ती अब जिनपिंग की विस्तारवादी नीतियों और उनकी सेनाओं की घुसपैठ वाली साजिशों का दम निकालेगी। सच तो यह है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और दृढ़ इच्छा शक्ति का ही कमाल है कि पहले तो चीन को एलएसी पर पीछे हटना पड़ा और अब क्वाड में भारत के शामिल होने के बाद वो भारत से उलझना नहीं चाहता। क्वाड को लेकर चीन की बेचैनी का यह आलम है कि वो क्वाड ग्रुप को मिनी नेटो या फिर एशियाई नेटो बुलाने लगा है। सच तो ये है कि अब क्वाड देशों के ग्रुप की ताकत का एहसास शी जिनपिंग को भी हो गया है, क्योंकि अब तक भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के जिस क्वाड ग्रुप को मिनी नेटो कहकर वो खारिज करते थे, वही चारों देश मिलकर चीन और उसकी विस्तारवादी नीतियों को रोकने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टुडे समिट मीटिंग शोस दैट क्वाड हैज कम ऑफ एज। इट विल नाउ रिमेन एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेबिलिटी इन द रीजन। क्वाड ग्रुप इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में आने वाले देशों के खिलाफ चीन की साजिशों को हर हाल में रोका जाए। इसके लिए कुछ अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत प्रमुख साझेदार है। हिंद प्रशांत क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के लिए भी अहम है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन आक्रामक रवैया दिखा रहा है। चीन इस क्षेत्र पर दबदबा बढ़ाने की कोशिश में है। हिंद प्रशांत क्षेत्र व्यापार और सामरिक रूप से काफी अहम है। अब क्वाड के चारों देश मिलकर चीन को रोकेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड समूह सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाला है, ताकि यहाँ परियोजनाओं पर चारों देश काम कर सके और समुद्री मार्ग को आर्थिक कॉरिडोर में तब्दील कर सके। चीन ऐसी परियोजनाओं पर लंबे वक्त से काम कर रहा है, ताकि अपने विस्तारवादी मकसद को वो पूरा कर सके। क्वाड समूह के देशों का मकसद यही है कि समंदर में चीन पर लगाम कसी जाए। आसमान में भी क्वाड की ताकत की परवाज के आगे चीन कहीं नहीं ठहरता। आंकड़ों के हिसाब से चीन के पास 3,210 एयरक्राफ्ट है, तो क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पास 17,412। इनमें अमेरिका के सबसे ज्यादा 13,264, फिर भारत के 2,123, जापान के 1,561 और ऑस्ट्रेलिया के 464 एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा अमेरिका और भारतीय वायुसेना के पास चौथी और पांचवी जनरेशन के वो फाइटर जेट हैं, जिनका जवाब चीन की वायुसेना के पास नहीं है। यानी जंग की सूरत में चीन आसमान की ऊंचाइयों में क्वाड समूह का सामना नहीं कर पाएगा। चाइना ने वहां पे अपने जो कुछ आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड बना के उसके ऊपर मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट किया है, सैन्य फौजों को वहां पे लगा दिया है। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि वो साउथ चाइना सी पे अपना कब्जा बनाना चाहता है, उसको चाइनीज सी में की तरह ट्रीट कर रहा है। इसको चलते हुए प्रॉब्लम, इसकी वजह से वहाँ के लगभग 8 देश जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं।